नमस्कार। जसबीर कृष्ण चैनल पे आप सब बहनों का प्यार भरा स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको जो ये जैकेट बना रहे हैं हम बच्चे की, इसका आज हम गले की कटिंग बताएंगे, क्योंकि ये बटन पट्टी हमने साथ में बनाई है, पॉकेट भी लगाई है। बटन पट्टी के साथ ऊपर जो कटिंग करनी है वो कैसे करनी है, ये हमारा शोल्डर है। शोल्डर हमने ये देखिए साथ में बुना है, इसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर हम एक वीडियो पूरी जैकेट की बनाएंगे तो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। जो मेरे व्यूअर्स न्यू है, बिगिनर है, वो कैसे बनाएंगे, उनके लिए हमने सब कुछ डिटेल में बैक वाली वीडियो में बता रखा है, इससे पहले वाली वीडियो में। तो अब इससे पहले जो वीडियो थी वो हमने ये देखिए शोल्डर की कटिंग बताई थी कि इस साइड की कैसे करनी है। इस साइड की तो हमने पहले साथ में बता दी थी, इस साइड की कटिंग कैसे करनी है। तो अब इसको भी हमने बुन लिया है जहां तक हमें लेंथ चाहिए थी। तो ये हमने जितनी लेंथ चाहिए थी रखने के बाद ये पूरे बटन पट्टी के फंदे एक बार में ही कम करने हैं, क्योंकि जहां तक आना ही आना है बटन पट्टी ने ऐसे ऐसे। उसके बाद हम गले के फंदे उठाते हैं इधर वाले। तो पहले हम इतना बनाते हैं और चेन भी बनाते हैं कि अच्छा लगे। और ये देखिए बटन भी, बटन होल भी हमने लास्ट में रख दिया है, तो हम लास्ट में एक बटन जरूर लगाएंगे और गला हम जहां से उठाकर फंदे फिर हुड बनाएंगे, बेबी की पीछे वाली बैक में जो कैप होती है। तो कैसे कटिंग करनी है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। और ये जो पीस है ना, हमने आपको बताया था कि हमने इसकी 12 इंच लेंथ रखी थी, जहां से लेके इसकी 12 इंच लेंथ है ना। और अगर इसको भी बीच में डालेंगे ना तो 13 इंच हो जाएगी, क्योंकि 1 इंच क्या शोल्डर भी है जिसकी हमने सिलाई करनी है, शोल्डर की शोल्डर के साथ जैसे सिलाई करनी है ना ऐसे, तो 1 इंच बढ़ जाएगी, तो 13 इंच टोटल नीचे वाली लेंथ हो जाएगी। उसके बाद जो हमने आगे लेंथ रखी है वो 18 इंच आएगी। ये देखिए फुल जैकेट 18 इंच है, क्योंकि 4 से 5 साल के बच्चे की है। तो ये बटन पट्टी हमने जो साथ में बुनी है, और जो ये शोल्डर की लेंथ है, अगर ये 12 है तो 5 इंच आगे है ना, 12 और हाँ 6.5 इंच पर रखी है हमने, तो 12 और 6 18 और आधा इंच ऊपर इतनी आएगी, 18 तो आनी ही है ना। ऐ देखिए इतना इतना, तो 6.5 इंच पे हमने कटिंग की है। बाकी हमने जहां से लेके जहां तक, तो 18.5 इंच आएगी पूरी टोटल लेंथ। ये देखिए 12 और 1.5 इंच 6.5 इंच ऊपर, तो ऐसे आपने इतनी लेंथ रख लेनी है। उसके बाद जब आपकी जे वाली लेंथ, ये देखिए, तो जैसे फ्रेंड शोल्डर की लेंथ 6.5 इंच है, तो हमने 1.5 इंच छोड़कर गले की कटिंग करनी है ना। तो हम 5 इंच बुन लेंगे, 5 इंच तक ये बुन लेंगे। उसके बाद देखिए जहां से 5 इंच है ना शोल्डर की कटिंग के बाद, हमने 5 इंच बुनना है। उसके बाद हमने गले की कटिंग स्टार्ट करनी है। तो इसका जो दूसरा पार्ट है वो हमने बुना है ना, इसमें होल, बटन होल भी रखे हैं, ये देखिए ऊपर भी और इधर भी है ना। तो बटन होल रखे हैं और शोल्डर को भी हमने बनाया है। ये बनाने के बाद अब हमने, ये देखिए इतना ये बुन लिया है, बुनने के अब हम जहां से कटिंग स्टार्ट कर देंगे। तो कैसे कटिंग करनी है वो हम आपको गले की आज कटिंग ही बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हम 10 फंदे तो बटन पट्टी के रखेंगे, 9 फंदे हैं, एक साथ में चलता है सीधा 10 फंदे, और बाकी 18 फंदे हम इसके रखेंगे पार्ट के 18 फंदे। तो ऐसे ही सेम इधर कटिंग करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी तो राइट साइड से कटिंग की थी जहां से सिलाई स्टार्ट होती है, और इस साइड की हम कटिंग
इस साइड से स्टार्ट करेंगे। तो कैसे, पहले हम बटन पट्टी के पूरे फंदे ही कम कर देंगे, जितने बटन पट्टी के फंदे हैं उतने फंदे पूरे के पूरे कम करेंगे। तो हम पहले ना 3 का 1 करेंगे, ऐसे थोड़ा सा ग्रेस आएगी। 3 का 1 किया, थोड़ा टाइट हो गया, फिर हमने आके पूरे फंदे बटन पट्टी के बाइंड कर दिए। 2 का 1 किया, थ्रेड इधर डाल, फंदा इधर डाला, 2 का 1 किया, इधर डाला फंदा, 2 का 1। थोड़ा सा टाइट बंद करना है, लूज नहीं, ऐसे हाथ को थोड़ा सा टाइट रखें। तो जितने फंदे हैं ना हमारे बटन पट्टी के उतने ही हमने कम कर देने हैं। ये देखिए, और एक और लास्ट वाला फंदा भी साथ में ही ले लेना है, ऐसे। तो हमने इतने फंदे बटन पट्टी के, ये देखिए, कम कर दिए, जो कि इसके ऊपर आएगी, इसके, ये देखिए इतनी सुंदर लगेगी अगर ये सफाई से होएगी तो। अब आगे हमने पूरी सिलाई जैसा डिजाइन है वो बुनना है। तो ये फंदा है और आगे हमारे ये लाइनें 2, 4, 6, 8, 10, हाँ पूरी हो गया है डिजाइन। तो हमने पूरी सिलाई उल्टी ही बनानी है, क्योंकि डिजाइन के मुताबिक ही आप बनाएंगे, जो आपका डिजाइन है उसी हिसाब से आप सिलाई को बनाइए, ऐसे। ये देखिए पूरी सिलाई बनाई, ये देखिए फ्रेंड, हमने वो सिलाई जब फंदे कम किए तो बुन ली, और इधर वाले हमने बुन लिया, और लास्ट वाला फंदा हमने उल्टा बुना है, बाकी डिजाइन के हिसाब से बुना है। अब आते हैं इसकी राइट साइड में। तो राइट साइड में फ्रेंड्स हमने फिर अब 3-3 फंदे कम करने, पहले 3 फिर 2 फिर 1, तो हमने 18 फंदे रखने हैं 10 फंदों के बाद, टोटल हमारे 28 फंदे होने चाहिए। तो हम इसको कम करेंगे, पहले हम 3 फंदे कम करेंगे, और फंदे हम अब हाँ अपनी साइड ही कम कर सकते हैं, ऐसे, रॉन्ग साइड है तो रॉन्ग साइड ही करिए। 1 इधर फंदा डालिए, 2 फिर एक और डालिए, 3, तो हमारे 3 फंदे कम हो गए, बाकी हम साथ में बुनेंगे। ये देखिए 3 फंदे और कम हो गए, ये फंदे हमने फिर उठाने भी है गले के लिए। तो फिर हम ये पूरी सिलाई बनाएंगे डिज़ाइन की, इधर का बॉर्डर भी बुनेंगे जो हमारा ये शोल्डर का है, और फिर जहां आकर फिर आपको बताएंगे कि कितने फंदे कम करने हैं। ये देखिए जे वाला जो बाजू का बॉर्डर है वो भी हम शोल्डर का साथ में ही बुन रहे हैं, और गला भी साथ में ही कटिंग हो जाएगा। बस यहीं से वापस आ जाइए और फिर इसको बुनिए जहां तक, जहां फिर फंदे कम करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमने 3 फंदे कम किए थे, अब हम रॉन्ग साइड में हैं। रॉन्ग साइड में फिर हमने 3 फंदे कम करने हैं, 1, 2 का 1 किया, फिर 2 का 1 किया, फिर 2 का 1, तो 3 बार कर दिया, तो 3 फंदे हमारे फिर कम हो गए। ये देखिए ऐसे 3-3, तो फिर हम पूरी सिलाई बुनेंगे और फिर इधर आके आपको बताएंगे। जो देखिए 3 फंदे कम किए, 3, अब हम फिर 3 फंदे कम करेंगे, 1, 2 और 3, ठीक है। बाकी के फंदे जैसे हैं, जो डिजाइन है वो हम बुन लेंगे, और हमारा डिजाइन भी कंप्लीट होने वाला है, जो हम बना रहे हैं तो उसी हिसाब से हम बुनेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमने 3, 3 और 3 फंदे कम किए हैं, हमने कितने रखने हैं, हमने 10 फंदे तो शोल्डर के रखने हैं, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। आगे हमने 18 फंदे रखने हैं, 18, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 2 फंदे हमारे बचते हैं, इनको भी हम कम कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, फिर 2 का ही 1 करेंगे, ऐसे 2 का 1 किया 1, फिर 2 का 1 किया 2, 2 फंदे कम हो गए, बाकी हमारे फंदे अब
18 हैं और 10 शोल्डर के हैं, तो कितने फंदे हो गए? 28। तो 28 फंदे हमने ऊपर शोल्डर के रख लेने हैं, और शोल्डर को ज्वाइंट कैसे करना है वो भी हम आप साथ में ही आपको दिखाने वाले हैं। उसके बाद तो हम हुड के फंदे उठाएंगे, कैप के जो पीछे बननी है ऊपर, उसके ही फंदे उठाना बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। पहले हम शोल्डर ज्वाइंट कर दें, उसके बाद वो अलग से बताएंगे। ऐसे वीडियो लंबी हो जाती है, फिर व्यूअर्स देख नहीं पाते। ये देखिए हमारी ये गले की कटिंग हो गई है। ऐसे ही ये देखिए दूसरी साइड की भी है ना। ये ऊपर आएगी बटन पट्टी है ना, ये होल बटन होल वाली, तो ऐसे आएगी। और इधर की इतनी ही कटिंग बहुत है। और शोल्डर की ये देखिए शोल्डर भी ठीक है। और अब हम इनको ज्वाइंट कैसे करेंगे वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो हमने बैक का पार्ट भी बुन रखा है ना, सबसे पहले बैक बुना, फिर ये वाला पार्ट बुना, इसको राइट साइड बोलते हैं, इसको लेफ्ट। तो अगर आपने ऐसे ऐसे रखेंगे तो ये राइट है, ये लेफ्ट है। इसकी सबकी वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। अब ये जो पार्ट है हमारा बैक का, ये बैक है, इसको हम उल्टा रखेंगे। कैसे? ऐसे, एक मिनट। हाँ, इसको हम ऐसे उल्टा रखेंगे, इसके ऊपर इन पीस को भी उल्टा रखेंगे। हाँ, ये बात है। इसको सीधा रखेंगे, जो ए पार्ट है इसको उल्टा ऊपर रखेंगे, क्योंकि ए भी सीधा है, ए भी सीधा है, राइट साइड है, मतलब राइट साइड ये रॉन्ग साइड, रॉन्ग साइड नीचे, राइट साइड ऊपर। और जो ये पार्ट बुनते हैं आगे फ्रंट के, उसका राइट साइड अंदर और रॉन्ग साइड बाहर। तो हम ऐसे जहां पे रखेंगे, हाँ, ये पार्ट आएगा इधर, ये देखिए ऐसे आएगा, दोनों पार्ट जुड़ जाएंगे आपस में। ये शोल्डर को शोल्डर शोल्डर के साथ जोड़ेंगे, और इधर भी हम दूसरे पीस को जोड़ेंगे, ये देखिए ऐसे है ना। तो रॉन्ग साइड बाहर है, इधर भी रॉन्ग साइड बाहर है, इधर इधर। और अब हम इसको ज्वाइंट करेंगे शोल्डर के साथ, कैसे वो देखना है आपने। हम सुई से नहीं करेंगे, हम सिलाइयों से ही करेंगे। तो पहले हम इस पार्ट को इसके साथ ज्वाइंट करेंगे। तो हम जे वाला पार्ट ही उठाएंगे, और क्योंकि थ्रेड इधर है, और इसको इसके साथ जोड़ेंगे। जी देखिए हम क्या करेंगे, एक तो पीस इधर का लेंगे, एक इधर का है ना, और दोनों को एक करेंगे। ऐसे ऐसे किया, दोनों फंदे उतार दिए, फिर आगे के भी एक फंदा और दूसरा फंदा दोनों लिए, तो दो बार हमने दो दो का एक करके बुन दिए दो फंदे। अब हम इस फंदे को ऊपर से टपाएंगे ऐसे, फिर हम एक पीस फंदा इधर से लेंगे, एक इधर से, और ऊपर से टपाएंगे ऐसे, ठीक है। फिर इधर का फंदा और इस सिलाई का फंदा दोनों लेंगे, दोनों को बुनेंगे और इसको ऊपर से टपाएंगे ऐसे, और ये फंदा और इधर वाला दोनों सिलाई में ले, ये देखिए आराम से, ये वाला फंदा ऐसे और ए वाला फंदा ऐसे लिया, दो का एक लिया, और इस फंदे को चाहे आगे से ले लीजिए, अगर पीछे से लेंगे तो आसानी होगी, इस सिलाई से लेंगे तो ऐसे, ये देखिए ऐसे ज्वाइंट हो जाएगा। और दूसरी बात, बॉर्डर के साथ बॉर्डर आएगा, ये आपने ध्यान रखना है, ऐसे फिर फिनिशिंग नहीं आएगी, क्योंकि हमने बॉर्डर ही ऐसे बना रखा है, सेम दोनों का, बैक का भी और फ्रंट का भी, तो सेम ही आएगा। इन फंदों का आपने ध्यान रखना है, अगर आपके फंदे बराबर नहीं आ रहे तो आप एक आधा फंदा बड़ा, एक फंदा ज्यादा घटाई कर सकते हैं। तो बस ऐसे आपने बुनते हुए जाना है, और इसको इसके साथ ज्वाइंट करना है। ये देखिए
ये हमारा लास्ट का फंदा है, इधर भी लास्ट का फंदा है, तो इनको हम शोल्डर वाले फंदे हमने बाइंड कर दिए। ये देखिए हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए शोल्डर के साथ बिल्कुल जॉइंट हो ना, सीधा फली, सीधे सीधे, उल्टे के साथ उल्टा, सीधे के साथ सीधा, उल्टे के साथ उल्टा, ऐसे। और इधर से रॉन्ग साइड से इसका ऐसा डिजाइन बनेगा, ऐसा लाइन आएगी सीधी चेन वाली, ठीक है। तो ऐसे आपने ये पूरे जितने ये फंदे हैं उतने आपने जहां तक इसको बाइंड करने हैं, तो हम पूरे फंदे बाइंड करके फिर आपको दिखाएंगे। ओके, ऐसे जितने इस साइड के फंदे हैं ना फ्रंट के, उतने ही बंद करने हैं। जो देखिए लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में एक फंदा इधर का और इधर का हमने बाइंड कर देना है ऐसे। अब देखिए हमारा थ्रेड भी पूरा ही हुआ है, तो हम इसमें से इसको निकाल देंगे। ऐसे बाइंड हो गया, जी देखिए कितने सुंदर बाइंड हुआ है। अब हम इसको पलटा के दिखाएंगे आपको, बाकी फंदे हम सिलाई पे ही छोड़ देंगे ऐसे। ये देखिए बाकी फंदे सिलाई पे छोड़े हैं, और इसकी राइट साइड देखिए अब जी, है ना, ये बाइंड हो गए हैं। अब हमने क्या करना है, 28 फंदे छोड़ने हैं इधर के, 28 फंदे छोड़ के इस सिलाई को, इस इन फंदों को इस पे ले लेना है सिलाई पे ऐसे, क्योंकि इधर से ही हम बाइंड करेंगे, हम उधर से बाइंड नहीं करेंगे, इधर से बाइंड करेंगे। ऐसे सिलाई पे फंदे ले लिए बिना बुने। हाँ, इसको फिर हम हुड के लिए उठाएंगे ना, इसलिए ये फंदे हम ऐसे ही सिलाई में रख लेंगे। और 28 फंदे देखेंगे, 2 4 6 8 10, 10 फंदे बटन पर बॉर्डर के, 2 4 6 8 10 12 14 16 17 18, जे हमने बैक के फंदे ले लिए। अब हमने इन 18 फंदों को इसके साथ दूसरे पीस के साथ करना है। ये देखिए ये पीस ऐसे अंदर आएगा, अब जे पीस हमारा बचा है, ठीक है, जे बचा है, और इसको ये बटन पट्टी है ऐसे आएगी ऐसे, और इनको हमने बाइंड करना है, ठीक है। अब अगर हमारा थ्रेड इधर है तो हम इधर से बाइंड करना स्टार्ट कर देंगे, तो हम ये पूरे फंदे ही इस सिलाई में ले लेंगे, बुनेंगे नहीं, पूरे फंदे हम इसी सिलाई पे ले आएंगे ऐसे। अगर इसका थ्रेड जहां होता इधर, इसका इधर होता तो जहां से स्टार्ट करते, अब थ्रेड दूसरी तरफ है तो हम उसी साइड से, क्योंकि इसका थ्रेड भी इधर है और इसका थ्रेड भी इधर है, तो अब हम इनको ऐसे घुमा लेंगे ऐसे, ये बैक साइड है, और जैसे उनको बाइंड किया है ऐसे ही इसको भी हम बाइंड करेंगे। ये देखिए जे है थ्रेड, कोई भी थ्रेड ले लिए, जे वाले से या जे वाले, जो आपका लॉन्ग थ्रेड है तो उससे हम फिर 2 का 1 करेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, 2 फंदे हो गए, 2 का 1 करके, 2 का 1 करके इस फंदे को ऊपर से टपाएंगे, फिर इधर वाला फंदा लेंगे, इधर वाला, तो इनको बाइंड करते जाएंगे ऐसे, ना लूज बंद करना है ना टाइट, ठीक है, मतलब इक्वल सा होना चाहिए ऐसे, नहीं तो शोल्डर अगर टाइट बाइंड करेंगे तो शोल्डर ऊपर से टाइट हो जाएगा ऐसे। ऐसे आपने पूरे फंदे बाइंड करने हैं, जितने इस पे फंदे हैं, ठीक है, जितने ये हैं उतने ये लेने हैं, बाकी छोड़ देने हैं। जी देखिए फ्रेंड,
लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट वाला फंदा हमारा ये आ गया है, तो बाइंड हो चुका है पूरा। अब इसमें से इसको निकाल देंगे ऐसे। अब देखिए हमारे फंदे बीच के जही बचे हैं, ये ऐसे आ गया है ना, शोल्डर हमारे सिल चुके हैं। अब इसको हम राइट साइड में करते हैं ऐसे। ये देखिए ये राइट साइड है ना, तो हमने ये ज्वाइंट कर दिए हैं शोल्डर। ये देखिए ये हमारे शोल्डर ज्वाइंट हो चुके हैं। अब हमने इन फंदों को उठाना है और इसका वो बुनना है हुड। आप गोल गला भी बना सकते हैं। फंदे उठाइए, कम से कम 80 फंदे उठाइए आप, 80 नहीं 90, जितने आपने इसके बैक बैक के फंदे लिए हैं, ये देखिए बैक के फंदे हमने लिए हैं ना, उतने ही आप ये 99 फंदे हैं है ना, इतने तो इतने लेके आप गला बना सकते हैं 90 फंदे। आप 90 फंदे उठाइए और गोल गला बनाइए। अब पीछे के जो हमारे फंदे हैं वो हम आपको बता देते हैं। हमने क्या किया था, हमने 99 फंदे डाले थे बैक में, उसमें से हमारे जो ये फंदे कम हुए हैं, पांच इधर से पांच इधर से है ना, तो 10 फंदे हमने कम किए। बाकी जो फंदे हैं वो हमारे शोल्डर में ज्वाइंट हो गए 18 फंदे, 18 में से पांच इधर कम किए पांच इधर, तो जो बीच वाले फंदे हमारे बचे हैं वो हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 और 31। 31 फंदे बचे हैं हमारे। कोई बात नहीं, आपके जितने भी बचे हैं, आपने ये नहीं कहना कि हमारे तो वो 32 बचे हैं, हमारे तो 34 बचे हैं। कोई बात नहीं, एक दो फंदे ज्यादा कम हो जाते हैं, तो जितने भी फंदे हैं उतने ही रखिए। हाँ, जब हम गले के फंदे उठाएंगे तो हमें लगेगा कि गला थोड़ा छोटा दिख रहा है, तो हम जहां एक दो दो चार फंदे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बैक है, बैक में थोड़ा ऊपर थोड़ा खुला अच्छा लगता है गला। तो ये देखिए ऐसे करेंगे ना तो ऐसे आएगा ये गला। ये देखिए अब इस ये जो बटन पट्टी है ये ऐसे आएगी, जहां से फंदे उठाना शुरू करेंगे, जहां से फंदे उठाएंगे और जहां से, ये देखिए ऐसे स्टिच करेंगे तो लॉन्ग है ना, तो हम ये फंदे उठाएंगे। कितने फंदे उठाएंगे ये हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, फिलहाल तो आप इतना बनाइए। अब हम इसकी सिलाई भी करेंगे, तो ये शोल्डर के साथ शोल्डर मैच हो गया है, और हम जहां से लेके जहां तक की सिलाई करेंगे, और जब हम सिलाई करेंगे तो ये डिजाइन भी हमारा बहुत अच्छे से बन के आएगा। सिलाई फिनिशिंग से कीजिएगा और शोल्डर को जहां तक सिलिएगा, जहां तक ये पूरा सिलना है तभी शोल्डर की सफाई आएगी। ऐसे ही आपने इस साइड से सिलाई करनी है। सिलाई मुझे पता है कि आप सबको आती है, आप अपने हिसाब से सिलाई कीजिए, क्योंकि ये देखिए हम चेन बनाते हैं ना साथ में, तो उसी को हम लेकर सिलेंगे फिनिशिंग से, कि ये डिजाइन जो है ना हमारा जे ऐसे बराबर में आए, ये जे बनेगा, उल्टे के साथ सीधा, उल्टे के साथ सीधा, तो ऐसे जोड़ के बनाएंगे ना तो लाइन नहीं दिखनी चाहिए। तो सिलाई आप कीजिए सुंदर सी, और नेक्स्ट वीडियो में हम फंदे उठाकर कैसे उठाने हैं और हुड कैसे बनाना है वो बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड, फिर इतना तो आप बनाइए, उसके बाद फिर देखते हैं। जी देखिए हमने डिजाइन को भी कवर करने की कोशिश की है कि जहां ज्वाइंट अच्छा आए, नहीं तो वरना थोड़ा और भी बुन सकते थे, जहां बैक के दो चार सिलाई और चार दो सिलाई इधर की, लेकिन हमने नहीं बुना क्योंकि ये शोल्डर फिर लॉन्ग हो जाता है और बच्चे को आना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो भी ज्वाइंट आप, बस आपका बॉर्डर बराबर आना चाहिए, बॉर्डर के साथ बॉर्डर, इधर भी बॉर्डर के साथ बॉर्डर और इधर भी सीधे के साथ सीधा, उल्टे के साथ उल्टा सीधा, बस ऐसे आपने बनाना है। तो चलिए फ्रेंड, अगर आपको अच्छा लगा हो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक।